हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और इसके कुछ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और आज हम लोग उसी से जब जो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा ना, उसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है। वो तो हम लोगों ने जो इससे पहले जो पढ़ा वो बेसिक था, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है ना, वो इस तरह से आता है। देखो, समझते हैं पहले, देखो क्या है। मतलब आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेट के बारे में, ठीक है ना। रेट के बारे में कैसे वो बात करता है, जब क्वेश्चन में मतलब कोई साल का मतलब ब्याज वगैरह दे दे, और मतलब एस आई और सी आई का अंतर दे दे, या फिर कोई चीज़ गिवन हो लेकिन रेट वो हमसे पूछ ले। तो देखो, रेट फॉर 2 साल के मतलब 2 ईयर्स के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहले समझते, डेरिवेशन समझते। देखो, हम लोग टेबल से सॉल्व करते आ रहे हैं ना इसको, तो हम लोग टेबल से समझते हैं। देखो, पहले साल का मान लो ए, और ए पहले साल का एस आई और सी आई बराबर है, ठीक है। दूसरे साल का एस आई भी ए, ये भी ए होगा, प्लस बी, ठीक है ना। ये बी क्या है, देखो यहाँ पे टोटल 2 साल का आ गया ना, तो 2 साल का ये कितना हो गया, 2A मान लो, और ये कितना हो गया, 2A+B, ठीक है। अब देखो, ये बी क्या है, एक का 1 साल का ब्याज है। बी क्या है, ए पर 1 साल का ब्याज, ठीक है ना। बी क्या है, ए पर 1 साल का ब्याज है। हम लोग यही तो निकालते हैं ना, इसका कुछ परसेंट निकालते थे। तो क्या है, बी क्या है, एक्चुअल में जो बी है, जो पिछले साल का है, ए निकाला हुआ है, उसका 1 साल का ब्याज है, ठीक है ना। तो देखो, इस तरह से रेट कैसे निकालेंगे हम लोग, ब्याज कितना है बी, अमूल मतलब जो किस पर निकाला है हम लोगों ने, ए पर, ठीक है। तो रेट इस, ये हमारी रेट आ गई, ठीक है। अब देखो, ये 2 ईयर्स के लिए, ठीक है ना, 2 साल के लिए कितना आ गया, रेट कितनी आ गई, B/A × 100, ये तो रेट आ गई। अब देखो, एक और चीज़ देखो, 2 साल का ऐसा ही कितना है, 2A, ठीक है। 2 साल का, मैंने लैंग्वेज पे ध्यान रखना, 2 साल का मतलब 2A। और 2 साल का CA कितना है, 2A+B, 2A+B, ठीक है। अब दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस, यहाँ पे देखो अंतर कितना है, खाली बी तो है अंतर, डिफरेंस, तो Ci2 - Si2 कितना हो गया, बी, ये इसका रिजल्ट है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। इससे कैसे सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। चलो, ये तो हो गया 2 साल के लिए। अब इसी तरह से 3 साल के लिए देखते हैं। देखो, एस आई सी आई हमारा वही पैटर्न, अगले साल भी ए, लेकिन ये बी भी मिलेगा। बी क्या है, ए पर 1 साल का ब्याज। चलो, फिर अगले साल भी ए, ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के लिए बोला है हमसे, ठीक है। चलो, इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूले से भी सीखा था अंतर, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल और रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। अब देखो, ए तो आई, ठीक है, इस ए पर कितना, बी, इस ए पर कितना, बी, और इस बी पर कितना लगेगा, सी, ठीक है ना। ये भी इस ए पर लगा ब्याज है 1 साल का, ये भी इस ए पर लगा ब्याज है 1 साल का, और सी क्या है, बी पर लगा 1 साल का ब्याज है। तो सी क्या है, यहाँ पे सी बी पर 1 साल का ब्याज, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ए बी सी वही मेथड है, टेबल से ही सॉल्व करते आ रहे हैं हम लोग, और टेबल से इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये खाली पहले डेरिवेशन हम लोग समझ देते हैं, किस तरह से रेट निकालते हैं, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है ना। तो सी क्या है, बी पर 1 साल का ब्याज, ठीक है।
तो 3 ईयर्स के लिए रेट कैसे निकालेंगे? जैसे सी है एक, बी पर 1 साल का ब्याज, तो सी ब्याज है किस पर है? बी पर। परसेंटेज निकालेंगे, ये हमारी रेट आ गई। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखो, 3 साल का एसआई कितना आ गया? 3। और ये कितना जाएगा? 3A+3B+C, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, जैसे 2 ईयर का, 3 ईयर का एसआई कितना हो गया? 3A। 3 ईयर का सीआई कितना हो गया? 3A+3B+C। चलो, और 3 साल का अंतर, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो क्या है, 3A 3A तो कॉमन है, और डिफरेंस क्या है? 3B+C। चलो, सॉरी, CI3 - SI3, 3 साल का अंतर कितना हो गया? 3B+C। तो ये देखो, 2 साल के लिए और 3 साल के हम लोगों ने रेट के लिए निकाला और रिजल्ट भी निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना ये। चलो तो देखो, क्योंकि एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन रेशियो के हिसाब से दे देता है वो, कभी कभार सीधा दे देता है कि भाई 3 साल का ऐसा इतना दे रखा है। तो देखो, एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे क्वेश्चन में दे दे, 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर 19, ठीक है ना, ये अंतर दे रखा है। और 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर 6, और हमसे वो रेट की बात करें, ठीक है, ठीक है ना। कितना? 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा है? 19। और 2 साल का कितना दे रखा है? अंतर 6 दे रखा है। तो देखो, अब हम लोग ने जो रिजल्ट निकाला ना, वो देखते हैं हम लोग, 3 साल का क्या है। देखो, CI3 - SI3, ये 3 साल का अंतर, और नीचे क्या दे रखा है, मतलब दूसरा क्या दे रखा है? 2 साल का अंतर, ठीक है। ये रेशियो में दे रखा है, सॉरी, ठीक है ना, अनुपात में दे रखा है, और हमसे रेशियो में रेट रेट की बात कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे 3 साल का दोनों का अंतर दे रखा है, यहाँ 2 साल का अंतर दे रखा है, और रेशियो दे रखा है उनका 19:6। तो देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, 19:6 तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट निकाला हुआ कितना है? 3B+C ऊपर वाला, और ये वाला रिजल्ट कितना निकाला हम लोगों ने? B, ठीक है ना। तो देखो, आपस में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 18B+6C=19B, B=6C, तो B/C=6/1, ठीक है। तो B और C का फ्रैक्शन में कितना आ गया? 6 और 1 आ गया वैल्यू, ठीक है। ये तो हम लोगों ने फ्रैक्शन निकाल लिया। अब देखो, रेट हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, देखो, रेट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो रेट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 साल के लिए दे रखा है ना, जैसे हम लोग रेट निकालेंगे 3 साल के लिए, तो देखो रेट क्या है, C/B × 100। 3 साल के लिए क्या है हमारा रेट का फॉर्मूला, कितना है? C/B × 100, ठीक है ना। अगर वो 2 साल के लिए बोले तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना, और वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। ए की वैल्यू तब पता होगी जब हमें 2 साल का ऐसा ही गिवन होगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है? खाली बी और सी की वैल्यू पता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 2 साल का अंतर दे रखा है यहाँ पे, और अंतर क्या है? खाली बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक
ठीक है, इसलिए हमें 3 साल का, 3 साल की जो रेट है ना उसके साथ निकालना पड़ेगा। तो देखो बी कितना, सी कितना है यहाँ पे 1, और बी कितना है 6, और 1/6 हमेशा कितना होता है 16 से ही 2/3%, ठीक है ना, 16.66%। इस तरह से रेट हमें फाइंड आउट करनी है। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में पूछेगा वो, 3 साल का ये अंतर दे रखा है और ये अंतर 2 साल के लिए दे रखा है और रेट हमसे पूछेगा। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या बोला है, 2 साल का सीआई 500 है और 2 साल का एसआई 400 है, ठीक है। चलो टेबल से आ जाऊँ वापस। दो साल का एसआई कितना दे रखा है 400, और एसआई हर साल बराबर होता है तो 1 साल का कितना होगा 200, ठीक है ना, एसआई तो बराबर होता है। चलो 2 साल के लिए बात कर रहे हैं, टेबल 2 साल के लिए बना लेते हैं, 200 200, ठीक है। अब ऐसे ही पहले साल बराबर 200, और दूसरे साल 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका कितना मिलेगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये पता है कि भाई 2 साल का सीआई कितना दे रखा है 500, ठीक है। ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, 400 हो गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा बचा 100, 100 एक्स्ट्रा बचा ना। तो देखो 100 ब्याज मिल रहा है, कि ये 100 क्या है, इस पे ही तो मतलब परसेंट जो रेट होगी ना उसी का परसेंट निकल के आएगा 100, ठीक है ना। तो 100 ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 200 पे, परसेंट में निकाल दो कितना आ गया 50%। ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल दिया। अब देखो जो फॉर्मूला था ना उससे देखो, 2 साल के लिए रेट कितनी थी बी बाई ए इंटू 100, जो चीज़ मैंने यहाँ सॉल्व करी ना डायरेक्ट, वो फॉर्मूले से हम लोग कैसे समझते वो देखो। बी कितना दे रखा हमें, ये तो ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया हमारा, जो एक्स्ट्रा जो टाइम आ रही है ना वो बी हो गया हमारा। अब देखो बी कितना है 100, ए कितना है हमारा 200, और ये मैंने कितना सॉल्व किया 50%, तो रेट आ गई ना 50%। देखो 200 का 50% कितना होगा, देखो 100% तो खुद 200 है ही, और इसका आधा कर दो 100, इसका मतलब 100% का आधा करेंगे 50% होगा, इसका भी आधा कर दो तो 100 हो गया ना डायरेक्ट, तो वो 100 यही है, ठीक है। तो ये खाली समझने के लिए है ये वाली चीज़, एग्जाम में खाली ये लिखना नहीं है, लिख लिख के याद नहीं करना, खाली डायरेक्ट देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो चीज़ एक्स्ट्रा जो टाइम आ रही है ना वो पिछले वाले ईयर के लिए जो ब्याज है उस पर ब्याज है, ठीक है ना। तो हमें डायरेक्ट निकालना है कि ब्याज कितना मिल रहा है और किस पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो वह सीधा फाइंड आउट कर सकते। देखो एक एग्जांपल और समझते हैं। ये तो खाली मेथड समझाया मैंने कि किस तरह से रेट फाइंड आउट करनी है उसके लिए, ठीक है ना। और अगर वो इक्वेशन बना के दे, रेशियो में दे, तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है ना, वैल्यूज को। देखो अब की बार वो बोल रहा है सेकंड ईयर के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना है 16 रुपये, ठीक है, और कह रहा है सेकंड ईयर का 2 साल का, दो सौ रुपये, और हमसे वो रेट फाइंड आउट करा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखो क्या बोला आपके पास, सेकंड ईयर का यानी कि दूसरे साल का, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ दूसरे साल का, ठीक है ना, और इसका क्या मतलब हुआ 2 साल का। दोनों लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। अब देखो एसआई और सीआई की बात करते हैं, 2 साल के लिए बोला है तो हम लोग टेबल से 2 साल के लिए बनाएंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। देखो 2 साल का एसआई कितना दे रखा है 200, तो 1 साल का कितना होगा बराबर, मतलब 200 का आधा हो जाएगा 100, ठीक है ना, हर साल बराबर लगेगा ना एसआई। चलो 100 100, ये भी 100 मिलेगा पहले साल, ठीक है ना। मैंने बता रखा है भाई इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में कि पहले साल का ऐसे और सी है हमेशा बराबर, तो
तो बिना देखे जो भी एसआई होगा फर्स्ट ईयर का वो भी सीआई होगा। तो देखो अगले साल भी 100 तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है 2 साल का, दूसरे साल का। देखो ये तो 100 तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, अंतर कितना हो गया, देखो 16, तो इन दो दूसरे साल का, दूसरे साल है ना, कितना अंतर आ गया, 16% आ गया ना, 16 रुपये। ये सिर्फ दूसरे साल का अंतर है, ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, कैसे लिखी है देखो, 100 इधर, 100 तो इधर मिलेगा मिलेगा यहाँ पे भी सी, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, अंतर देखो यहाँ पे दे रखा है ना 16 रुपये, तो ये जो एक्स्ट्रा कितना होगा वो 16 होगा, तभी तो अंतर कितना आएगा दूसरे साल में, क्योंकि दूसरे साल का बोल रहा है वो, है ना, दूसरे साल का, तो दूसरे साल में अंतर कितना है 16, तो मतलब ये 16 ज़्यादा होगा सीआई, क्योंकि सीआई हमेशा ज़्यादा होता है, तो 16 ज़्यादा होगा तभी तो अंतर 16 होगा, ठीक है। अब देखो परसेंट यहाँ से सीधा निकालेंगे, तो 16 किस पे मिल रहा है ब्याज, 100 पे तो मिला, वो परसेंटेज में लगा दो तो कितना हो गया 16%, ठीक है ना। अब देखो इसको जो मेथड हम लोगों ने सीखा था ना रेट वाला, उससे देखो, क्या रेट दे रखी है, जैसे एसआई सीआई और एसआई की बात करते, पहले साल ए था, दूसरे साल ए प्लस बी हो गया, तो अंतर क्या था हमारा दोनों का, ये अंतर ही तो था, दूसरे साल का अंतर कितना है, टोटल अंतर भी बी है और दूसरे साल का अंतर भी बी है, ठीक है ना। रेट क्या निकाली थी हमने, बी बाई ए इंटू 100, ठीक है ना। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, अब देखो जब मैंने मेथड बताया था ना ये वाला फॉर्मूला उससे, तो देखो बी अंतर कितना दे रखा है, बी है ना, बी अंतर दे रखा है, ये हमारा अंतर हो गया, और क्वेश्चन में अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 रुपये, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है हमने निकाली 100, चलो वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है हमें, 16 यहाँ पे बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 100, देखो ये 16% रेट आ गई, ठीक है ना आंसर, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था। चलो तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस वो पुट करता है एग्जाम में, पूछता है लैंग्वेज फॉर्म में पूछता है वो, ठीक है ना। यहाँ मैंने सीधा लिखा है ये 2 साल का एसआई और सीआई का जो अंतर दे रखा है वो 16 रुपये, और 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये दे रखा है, तो हमें रेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, इससे रिलेटेड और अगर एग्जाम्पल होंगे तो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कहा है उसने कि भाई 3 साल का जो सीआई है, सॉरी एसआई, वो कितना दे रखा है 600 रुपये, ठीक है, और 2 साल का सीआई कितना दे रखा है 450, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है वो रेट, देखा। देखो 3 साल का ऐसा है कितना दे रखा है 600, तो 1 साल का निकालेंगे, मतलब 1 साल का कितना होगा 200, तो हर साल 200 200 200 लगेगा, तभी तो 3 साल का 600 हो गया, ठीक है ना। तो देखो टेबल से हम लोग निकालते हैं ये हमारा एस आई और सी आई, कितने साल की बात कर रहे हैं वो 3 साल के लिए, ठीक है। अब देखो 1 साल का 200 एस आई, अगले साल भी 200, अगले साल भी 200, ठीक है, और 2 साल का ब्याज कितना दे रखा है सी आई, वो 450 रुपये, तो पहले साल का सी आई और एस आई बराबर, और दूसरे साल का ये वाला 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, देखो 450 है ना, तो 400 में 400 तो ये हो गया और 50 ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा वाला है। चलो
अब देखो हमें 50 मिल गया। अब मैंने बताया था कि ये जो भी टर्म होती है वो क्या होता है, पिछले साल वाले ब्याज पर एक साल का ब्याज होता है, ठीक है ना। तो या तो डायरेक्ट निकाल लो, 50 किस पर ब्याज मिला है, 200 पर, तो रेट क्या आ गई, 25%, ठीक है, रेट 25% आ गई। अब देखो फॉर्मूला देख लो, ये क्या है, 3 साल के लिए, यहाँ पे देख इस वाले वैल्यू की कोई मतलब, हमें खाली सीआई में कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, तो इसको या तो लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है ना, हमें क्वेश्चन यहीं तक ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए, ये हमारे क्या होता है, बी, ठीक है ना, 2 साल में, तो रेट क्या होती है, बी बाई ए इंटू 100, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 50, ए की वैल्यू 100, सॉरी 100 नहीं, 200, 25%, ठीक है ना। तो इस तरह से रेट फाइंड आउट करनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई 3 साल का एसआई इतना दे रखा है या फिर सीआई इतना दे रखा है या दोनों का अंतर इतना दे रखा है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है इस तरह से, ठीक है ना। अगर ये याद भी नहीं रहे ना तो टेबल बना के सॉल्व कर लो, ए बी ए जो मैंने समझाया था ना शुरुआत में वैसे, ठीक है। और रेट हमेशा इस तरह से याद रख लो, ये तो हमेशा याद रहेगी रहेगी, ठीक है ना, 2 साल के लिए बी बाई ए बाई 100, ठीक है ना, ये याद हो जाएगा, और 3 साल के लिए सी बाई बी इंटू 100, ये याद रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।